दुष्कर्म करने वाले जो स्कूल के जो ड्राइवर, उसको गिरफ्तार किया गया। और पूरी जानकारी जब मिली तो ये बात सामने निकल के आया कि बच्चियां रोज़ाना स्कूल जाया करती थी, आज भी वो स्कूल गई थी और स्कूल के लिए जो गाड़ी उनके घर से स्कूल छोड़ती थी। और स्कूल गोल लगातनी समाचार बटुए बेगूसराय से बड़ा खबर आ रहा बटुए। बेगूसराय में दू गो छात्रा के साथ स्कूल के गाड़ी चलावे वाला कैलस हऊ वाला काम। आक्रोशित लोग स्कूल वैन में लगा दिहले आग। खबर का वास्तव बताई भोजपुरिया समाचार। पुलिस पदाधिकारी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली। फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो कली। कहल गईल बटुए कि जब रक्षक ही भक्षक बन जई हैं तब यह समाज के का होई। लेकिन लोग के आक्रोश यह भक्षक पैसन पड़ल कि इनकर गाड़ी के फूकी फाकी के लोग बराबर कर दी। बेगूसराय में स्कूली वैन चालक दू गो स्कूली छात्रा से हऊ वाला काम कर दी हले। दोनों छात्रा के साथ स्कूल से घर पहुँचावे के दौरान रास्ता में ही ड्राइवर गाड़ी रोक के यह दोनों जानी के साथे घटना के अंजाम देलन। घटना के सूचना मिलते पुलिस वैन चालक के गिरफ्तार कर लिहलस। वही ये दूसरा और घटना से खिसियाई लोग यह स्कूलिये वैन में आग लगा दिहलस। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के एगो गांव के ह। बतावल जाता कि मंगर के स्कूल के छुट्टी के बाद ड्राइवर दोनों लड़किन के लेके जात रहे तबे सुनसान जगह पर ले जाके दोनों जानी के साथे हऊ वाला काम के घटना के अंजाम दे दिहल गई। घटना के अंजाम देला के बाद आरोपी ड्राइवर दोनों लड़किन के ओकरा घर भी पहुँचा दिहल। घर पहुँचते दोनों बच्ची के परिजन इनकर हालत खराब देख के पूछताछ कई लोग तो पूरा घटना सामने आ गई। जेकरा बाद परिजन ग्रामीण के सहयोग से ड्राइवर के पकड़ लिहलन। एकरा साथे मारपीट कैलन। एकरा बाद स्कूल के एकरा गाड़ी में आग लगा दी हो। दोनों लड़किन के अभी छोट उम्र के बाड़ी सन। एगो निजी विद्यालय में पढ़ तारी सन। फिलहाल दोनों लड़किन के सदर अस्पताल में भर्ती करावल गई बा जहाँ यह दोनों जानी के इलाज चल रहा बा। पुलिस यह मामला में आरोपी ड्राइवर के जौन की मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिहल गई बटुए। पुलिस इनका से लगातार पूछताछ कर रहल बिया। यह मामला में सदर डीएसपी अमित कुमार बतैनी कि दू गो लड़किन के साथे गलत काम के अंजाम दिहल गई बा। पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करत दुष्कर्म के आरोपी यह ड्राइवर के गिरफ्तार कर लिहल गई बा। घटना के साक्ष्य संग्रह कइल जाता। पूरा मामला के जाँच कइल जा रहल बा जैसन कि ई डीएसपी साहब के कहा नाम बा। अब भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के पुलिस पदाधिकारी के बयान सुनावे जा रहल बा। लेकिन निहोरा बा कि चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर फेसबुक पेज पर फॉलो कर ली। देखिए आज संध्या 7 बजे बीरपुर पुलिस को सूचना मिली कि बीरपुर क्षेत्र के ही दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले जो स्कूल के जो ड्राइवर, उसको गिरफ्तार किया गया। और पूरी जानकारी जब मिली तो ये बात सामने निकल के आया कि बच्चियां रोज़ाना स्कूल जाया करती थी, आज भी वो स्कूल गई थी और स्कूल के लिए जो गाड़ी उनके घर से स्कूल छोड़ती थी और स्कूल से घर छोड़ती थी, उसी दरमियान स्कूल से घर छोड़ने के दरमियान में बीच में ही उस ड्राइवर के द्वारा दो बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। बच्ची अभी फिलहाल ठीक है, उन्हें सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया है। प्रारंभिक जाँच जो भी पॉक्सो एक्ट के प्रावधान है उसके अनुसार किया जा रहा है। हम लोग साक्ष्य संकलन पॉक्सो एक्ट के हिसाब से ही कर रहे हैं। और चूंकि जो अभियुक्त हैं वो हिरासत में है, उससे आगे की पूछताछ भी जारी है।